और सबसे पहले लेकिन बात कर ले, इन तमाम खबरों पर नजर बनी हुई है, लेकिन एक बड़ी बड़ी खबर जो आ रही है भोपाल से, मध्य प्रदेश एमपी नगर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक बन रही बिल्डिंग गिर गई है। इसमें एक मजदूर युवक बाल बाल बचा है, मलबे में ये दब गया था। एमपी नगर जोन 2 स्थित प्लॉट नंबर 85 में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ एमपी नगर जोन 2 प्लॉट नंबर 85। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वक्त रहते यहां पर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। एमपी नगर जोन 2 में ये हादसा हुआ, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर पड़ी, एक मजदूर इसमें दब गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि समय रहते इसे निकाल लिया गया और तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अफरा तफरी, और देखिए घायल को यहां से उठाकर बाहर ले जाते हुए, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर कैसे गई बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी हासिल करेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल से, जो बताएंगे कि आखिरकार एक बन रही बिल्डिंग बनते बनते कैसे गिर गई, कैसे ढह गई। लगातार बारिश, निगम के अभियान चल रहे हैं, जर्जर इमारतों तक को देखा जा रहा है, पर हैरत की बात यह है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग पर कहीं कोई नजर नहीं, किसी तरह का निरीक्षण नहीं। एमपी नगर जोन 2 स्थित ये प्लॉट नंबर 85 है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। और सीधे भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी शिवकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, पूरी जानकारी विस्तार से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एमपी नगर जोन 2 का प्लॉट नंबर 82 है। यहाँ पर हालांकि बिल्डिंग खाली थी, उसमें कुछ मजदूर इसको तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी हालांकि खास बात अच्छी ये रही कि मजदूरों को उस टाइम लंच का टाइम था और वो लंच करने के लिए बाहर निकले थे बिल्डिंग से, तभी अचानक से पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। खास बात अच्छी बात यह रही कि किसी जनहानि नहीं हुई, ना किसी मजदूर को चोट लगी, लेकिन इतना जरूर है कि आजू बाजू जो मलबा गिरा है उससे बाजू की दुकानों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कुछ स्कूटी टूटी है उनको नुकसान हुआ है, और एक मजदूर जो था उसी टाइम पर पास में एक ट्रॉली में अपना मलबा भर रहा था, वो बाल बाल बच गया ऐसा उसका कहना है। जैसे ही उसको आवाज आई बिल्डिंग की दरकने की, एकदम से वो दूर हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्डिंग के उस हिस्से में भी पहुंच सकें, जहां से दिखा सकें कि अगर उस टाइम पे कोई होता तो कितनी बड़ी हादसा हो सकता था। सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो यहां नहीं पहुंचे हैं। पुलिस जरूर है, वो ऊपरी खानापूर्ति में लगी हुई है। पुलिस को बताया गया कि एनओसी वगैरह नगर निगम से ले ली थी, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से मुझे ऐसा कुछ यह दिखाई नहीं दे रहा। देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग एकदम से धराशायी हो गई। अगर एक भी मजदूर अंदर होता तो निश्चित तौर पर जनहानि तय थी। हम लंबे समय से बताते आ रहे हैं कि पुरानी जर्जर बिल्डिंगों को निगम को देखना चाहिए। हमने हमारे अलार्म में भी इस मुद्दे को उठाया था, नगर निगम को, प्रशासन को, सबको सचेत भी किया था, लेकिन चलिए तो ये शिवकांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी शिवकांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से ये